There are those who dream of possibilities, of a world free of the ancient diseases that keep billions in poverty. And for those who strive to make that dream a reality, their quest is on the brink of victory. There are only three countries in the world where polio is still endemic: Nigeria, Afghanistan, and Pakistan. But Pakistan is the largest polio virus reservoir in the world and is considered the key battleground in the global fight against the disease. In the past year, over 40 vaccinators and support staff have been killed while working to eradicate the polio virus. On Tuesday, gunmen shot to death six Pakistani women who were working on a UN and government-backed polio vaccination campaign. The attacks have been linked to the Taliban. In 2012, they called for a ban on vaccinations in response to US drone strikes. Not long after the killings in Karachi, teams were back on the street going door to door persuading families to administer drops of vaccine to their children. It is women who are leading this fight, and in the process, often risking their lives. Inshallah, kabhi to ye eradicate hoga. Inshallah, jald ab wo time aa gaya hai. Jis jab maine join kiya tha, us time bahut polio ke cases hote the. Lekin ab bahut kam ho gaye, bahut kam ho gaye. Is time jo polio ke cases hain, aur mujhe is baat ki khushi hai ki hum log eradication ki taraf ja rahe hain. Health officials have identified three persistent polio reservoirs in Pakistan. One of them is Karachi's dangerous UC4 neighborhood, with its densely packed and shifting population. This is where the attacks took place in 2012, and it is an area vaccination teams have now prioritized. Polio campaign ke saath kaam karna maine kab shuru kiya? Main 2008 se main polio ke liye kaam kar rahi hu, polio eradication program mein. मुश्किल तरीन जो टाउन है रेजरवायर एरिया यूसीफोर गडाब वहाँ पर मैं जो है अपनी सर्विसेज दे रही हूँ जो कि इंतहाई मुश्किल है लेकिन बस कर रही हूँ मैं इसलिए कि मैं यूज़ टू हो गई हूँ वहाँ की हर चीज़ का मुझे पता है लोगों को मैं जानती हूँ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी हैं सबको मैं जानती हूँ और मुझे मतलब इतनी मैंने उसमें मेहनत की है कि मैं अब चाहती हूँ कि वहाँ से पोलियो इरेडिकेशन जो हो वो मेरे ही हाथों से हो. अच्छा आपने 270 बच्चों को पिलाया तो कितने घर हैं घर भी तो काउंट हुए ना तो आराम से हो गया कोई काम करने में मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को कोई हुई मसला मसाइल कोई आराम से सुकून से जी. किसी ने कोई कुछ कहा हो या जैसे घर में बात पूछते हुए बच्चों को निकालते हुए कुछ लोग होते हैं जो मना कर देते हैं उनको हम लोग समझ जाते. अच्छा और जो जैसे आपके साथ पुलिस सिक्योरिटी थी पुलिस वाले थे अच्छा सब पूरा दिन साथ थे हाँ जी सब साथ थे सब साथ थे अच्छा 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 तो पुलिस वाले कॉपरेशन कर रहे होते हैं तावुन उनका जी, सब अच्छा होता है हमारे साथ तावुन होता है. अच्छा ठीक है चलो गुड. और मैं मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप अपना एरिया चेंज कर दें सिक्योरिटी की वजह से लेकिन मैंने यही अब तो समझो मेरे लिए एक चैलेंज है कि मुझे इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुझे इंशाल्लाह ये रेडिकेट करना है गड्डाप टाउन से जो है ये वायरस. पुलिस आप क्या समझते हो पुलिस के बगैर काम कर सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे नहीं कर सकते पुलिस के बगैर नहीं हो सकता नहीं हो सकता डर लगता है डर लगता है. अच्छा अच्छा नहीं बहुत लो प्रोफाइल के साथ काम हो रहा है क्योंकि हमारी तो खुद अपनी जान को ख़तरा है UC4 जैसे एरिया में चले भी जाना बड़ी बात होती है इतना हाई रिस्क एरिया है जहाँ हम लोग आज़ादी से घूमा करते थे अब हमें जाते हुए भी 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं लेकिन हम ये कि मीटिंग्स कर रहे हैं लोगों के साथ कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की कम्युनिटी के जितने इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ थे वो डर गए वो लोग कहते हैं कि हमें डर लग रहा था हमें इनसे दूर रखें पोलियो से. When the polio workers were killed in Karachi in 2012, Gulnaz Sherazi, a campaign supervisor, was on duty in her area. उस दिन मैंने भी नाश्ता नहीं किया था नई टीम की परेशानी थी मैंने इनको काम भी सिखाना है तो मैं घर आई हूँ तो अम्मी से मैंने कहा मुझे नाश्ता दे दें तो अभी अम्मी ने नाश्ता मेरे सामने ला के ही रखा था तो फायरिंग की आवाज़ आई तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा फायरिंग की आवाज़ आ रही है जैसे हमारी अपनी ज़बान में कहा कि बच्चे फायरिंग की आवाज़ आ रही है तो मैंने कहा अम्मी आपको पता है ये इलाका कैसा है
जब मैं अपनी भांजी का नंबर मिलाने लगी तो बेल जाती रही, किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। एक बार, दो बार, तीन बार, तो मैं परेशान हो गई। और यकीन माने, चाहे मैंने बस दो चार सीपी लिए होंगे, मैंने वहीं रख दिया। अम्मी कह रही क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे 6 एम्बुलेंसेज खड़ी हुई थी, अब मीडिया वाले भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सब थे। सलाम दो ही तो वहाँ उनमें से एक ऑफिसर थे, उन्होंने एक एम्बुलेंस की तरफ इशारा किया। मैं गई हूँ तो स्ट्रेचर पे चादर में डेड बॉडी थी, और उनको मैंने इस तरह पहचाना कि उनका जो ये जो आस्तीन है बुरखे की, ये नीचे की साइड पे थी। मैंने चादर उठाई तो मेरी भांजी, और वैसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने कुछ मारा है और वो बेहोश हो गई है, बिल्कुल सीधी। ना उनके कोई फेस पे चोट थी, ना हाथों पे थी, कहीं पर भी नहीं थी। तो मैं पीछे इस तरीके से मुड़ के मैंने कहा, सर इन्हें किसी ने कुछ मारा है, ये बेहोश हो गई हैं। और ये कहते हुए मैं बाहर निकली हूँ, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है तो कहने लगे, बेटा इनकी डेथ हो चुकी है। फिर अचानक सामने मेरी नज़र पड़ी तो मेरी भाभी किसी की दरवाजे के आगे स्ट्रेचर थी, तो उनके तो पूरी बॉडी जो है ना वो खून खून हुआ हुआ था, और बस उनके फेस पे भी जो गोली लगी थी, ये जगह बिल्कुल होल बना हुआ था, यहाँ से भी। तो वो देखते साथ ही जो है ना मैं गिर गई। तो उन्होंने फिर मुझे जैसे होश में लाया, पानी वगैरह दिया, तो रोने लगी कि अभी 9 बजे मेरे घर से निकली हैं, अभी मुझसे बातें करती हुई गई हैं। फिर मेरे जहन में उनकी आवाज़ें गूंजने लग गई, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलें हमारे साथ थाने में। उनके साथ जाने से पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी सिस्टर को कॉल कर लेंगे आप करें। फिर मैंने उनसे बात की, मेरी सिस्टर ने कहा अभी थोड़ी देर पहले भी आपने मुझसे बात की थी, तो क्या हुआ है? मैंने कहा बाजी आप फलान जगह पर आएँ। कहने की खैरियत है? मैंने कहा बस आप पहुँचे, उनसे और कोई बात नहीं। मैंने कहा आप जिस तरह भी हैं आप मेरे पास पहुँचे। फिर उसके बाद हम लोग जिना हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम का कहा। मैंने कहा नहीं, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। और वहाँ पे फिर थोड़ी देर में 2 डेड बॉडीज़ भी आ गई कि इन पर भी पोलियो का, मतलब कि इन पर फायर हुआ है पोलियो की वजह से। फिर बस वही मीडिया, वही जर्नलिस्ट, वही सब लोग। और एक चीज़ की खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों की रिश्तेदार हूँ जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पर इंशाल्लाह मैं भी हिम्मत नहीं हारूँगी। Across Pakistan, there are thousands of women like Gulnaz who are driving the successive national polio vaccination campaigns. वो ये हुआ सिक्योरिटी का कि ये कुछ लोग जो हैं, कुछ एलिमेंट्स बाहर से आए हैं जो कि वहाँ पे रिजिस्ट कर रहे हैं कि एरिया में नहीं आना है, और जो जितनी भी ये जो पोलियो वैक्सीनेशन है ये अमेरिका की साजिश है, और आप लोग अमेरिकन के साथ मिले हुए हो, और हमारे बच्चों को फैमिली प्लानिंग, हमारी आबादी आप लोग कम करना चाहते हो, और ये हराम है वैक्सीन, इस तरह की चीज़ें हमें आ रही थी। उसके बाद जब ये हुआ, हमें अपनी एफर्ट्स तो कंटिन्यू रखनी थी, लेकिन ये जो सिक्योरिटी की वजह से हुआ ना, काम नहीं कर सक रहे थे और प्रॉपर कैंपेन जो है वो नहीं हो पा रही है सही। I welcome all the doctors and polio workers and the polio team from Deputy Commissioner Office East and WHO. You all are welcome to our office. हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज की जो हमारी इस आप सब लोगों के साथ बैठने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम जब आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का अल्लाह का शुक्र है, इतने तरीके से इतना कामयाब आप लोग बना रहे हैं हमारी पोलियो की कैंपेन्स को, आप लोगों के तावुन की वजह से ये सब कुछ चल रहा है सिलसिला। क्योंकि इससे पहले हम लोग पोलियो कैंपेन कर रहे हैं, 1994 से ये कैंपेन्स चल रही हैं पोलियो की पाकिस्तान के अंदर। वहाँ कहीं भी सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन थी नहीं, कोई ऐसे हालात ही नहीं कभी हुए थे। एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें पोलियो के लिए लोगों को, काम करने वालों को अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं, हमें आप लोगों के बगैर हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं।
वैसे रेगुलर टीम आती है आपके यहाँ? जी आती है। तो लाते हैं आप बच्चों को? जी, जी। तमाम कितने हैं माशाल्लाह? मेरा एक ही बेटा बस, पूरे घर में। क्या नाम है इसका? हाशिम अब्बास। हाशिम अब्बास का, चले बहुत प्यारा है। कोई तो ज़रूर फिरवाइए जब भी टीम आए, ठीक है? हमने देखा है कि ममालिक में जब वो हालत जंग में होते हैं तो हर आदमी को पता होता है कि किसके ख़िलाफ़ हमारी जंग है, हर आदमी को पता होता है कि उसका एनिमी कौन है, हर आदमी को पता होता है कि उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने। तो इस वक्त मुझे हमारे मुल्क में इसी तरीके से हर आदमी को पता होना चाहिए कि जंग हमारी पोलियो के ख़िलाफ़ है। तो पिलाते हैं ना आप लोग रेगुलर पोलियो के ख़तरे? तमाम ज़रूर पिलाइए। हमारी जो टीम आती है रेगुलर आती है, ठीक है? और अगर अभी कोई नहीं आए तो फिर आप ऑफिस में आकर ज़रूर आके पिलवाएं, ठीक है ना? तमाम चीज़ें हमें उस वक्त चैन से नहीं बैठना होगा जब तक एक एक बच्चा हमारे यानी मुल्क का पोलियो के ख़तरे ना पी ले और हमारी जो एनवायरमेंटल सैपलिंग है वो रेगुलर नेगेटिव ना आ जाए। ये एरिया जो है जैसे कराची में हम कोई 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से इन्वायरमेंटल सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये उन 3 साइट्स में से है जो कंसेक्टिवली हमारे पिछले 2 महीने से पॉजिटिव आ रहा है। ये पानी आ रहा है यानी कि गुलशन के मेन एरियाज, गुलशन है प्लस जो है UC4 गड़ाप जो हमारे वायरस का एक इस वक्त जो है सर्कुलेशन पॉइंट है, मेनली ये वहाँ से आ रही है। Polio is a highly infectious viral disease transmitted via contaminated feces. Any place where there is an open sewer, any place children come into contact with children, the virus could be growing. Once in the system, polio can lead to paralysis and even death. As long as there is a virus circulating anywhere in Pakistan, nobody is safe. At this laboratory, some lab technicians did not want their faces shown. Any association with polio, they say, is a threat. This is one of the most advanced lab, all of the culturing of polio virus has been done here. Thank you. Thank you, and you're welcome. Here we have received a sample, environmental sample, from one of our site, and we just give it a unique lab number. And now we want to move it to the laboratory where we will process that one. On day-to-day basis, we visualize these cells under the microscope to see the infections. And you can see that these are the healthy cells. And after the infections, these cells become shrinked. You can see that the morphology of the cells has changed and the cells become rounded and they form the clusters and clumping of their cells you can see over there. So from this we'll come to know that the sample contains a polio virus. Virologically and scientifically, this is really the best time and the best opportunity that Pakistan has, because the virus is really truly cornered in very few areas. Karachi has a shifting population of up to 25 million, and with people constantly streaming in and out of the city, the entry points are key places for vaccinators to control the potential spread of the polio virus. This highway connects all 4 Pakistan provinces, including inaccessible areas like the Taliban-controlled Waziristan. कतरे पहले जाने चाहिए, हर बच्चा जैसे ही आपको मिलता है उसको आप लोगों को 2 कतरे देने हैं, उसके बाद मार्किंग करनी है। दूसरी चीज़ ये है, वाइल जो है आपने पूरा वाइल को आगे उसके मुंह के आगे नहीं लगाना, वाइल को आपने इस तरह से पकड़ना है, मेरा हाथ देख रहे हो आप लोग, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बात करें उनको, पहले जाते ही कतरे नहीं लग जाए उनको पिलाने के लिए। कोई और सवाल नहीं, आप यही पूछ सकते हैं, अच्छा भाई किधर जा रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं, हंसते हुए थोड़ा आप अच्छे तरीके से बात करें ताकि अगला बंदा आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स करे, ठीक है? बस कोशिश ये करनी है कोई बच्चा रहने ना पाए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर है ना कि हर बच्चे को हमें पकड़ना है, हर बच्चे को वैक्सीनेट करना है, ठीक है? ये बस आ रही है अभी। बच्ची को इसको पिला दें, इसको यार अच्छी तरह दें।
निशान दिखाओ आगे बच्चे पीछे से स्टार्ट लिए ताकि मिसिंग ना हो कोई बच्चे ना पोलियो के कितने पिलाए हैं बच्चे को पिला लो पिला दो पहले नहीं पहले निशान नहीं ट्रेनिंग नहीं हुई आप लोगों की आराम से बोतल ऊपर रखो रात में यहाँ पे होती है टीम रात को तो ज़्यादा बसें जाती है सर हमें आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि आप हमें गाड़ी को रोकें ताकि बच्चों को दो मिनट लगेंगे हमारे ज़्यादा नहीं सर जितना बोलेंगे हमारी ड्यूटी यही है बहुत आराम से इस वाले हाथ से पिलाओगे सीधे हाथ से आराम से हाँ एक मिनट रुको रोक के रखो वाइल करो सामने हाँ रोक के रखो ऊपर करो बोतल अब निशान लगाओ निशान कौन से हाथ पे लगेगा इस सवाद की बस आई है जिसके अंदर तकरीबन हमने 12 बच्चों को किया है 12 बच्चे वैक्सीनेट थे जो कि अनवैक्सीनेटेड थे बच्चे तो ये देखें यही बच्चे फिर वैक्सीन वायरस लेके आते हैं और बच्चों में लगता है हाँ नहीं बहुत शुक्रिया आप लोगों का पता है इसीलिए हम खासतौर पर आप लोगों को भी यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं कि आप लोगों की एफर्ट्स हैं हमने अपने ही बच्चों के लिए हमने ही काम करना है ठीक है थैंक यू इसमें यह है कि सीखा तो बहुत कुछ है मैंने लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये था कि क्योंकि मेरा सोशल वर्क है एक तरह से और लोगों के साथ इंटरेक्शन कम्युनिटी के लोगों से मिलना और स्टेक होल्डर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना और फिर इसमें आपको पता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होता है बिल्कुल कम्युनिटी के लेवल पे आके हमें काम करना होता है Pakistan's battle to eradicate polio is threatening a global multi-billion dollar campaign to wipe out the disease worldwide. The Pakistani government is putting its institutional power behind successive national and sub-national polio vaccination campaigns. This is 3,45,000 ke kareeb hamari target population in district central mein pure bachchon ki jo 5 saal aur 5 saal ke kam umr ki hai तो उसमें जिस तरीके से 2,500 टीमें हमारी निकलती हैं डेली जब कल पहला दिन था तो तकरीबन 1,36,000 के करीब हमने बच्चे उसमें कवर किए थे जो बच्चों के हमने पिलाया था एक महीने का क्या नाम है इसका मोहम्मद अली एक टैली शीट होती है टैली शीट में डेली का लिखा जाता है कि आज इस टीम ने इतने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए इससे हमें यही पता चल जाता है कि इलाके में कितने ये बच्चे और ये रिकॉर्ड में ताकि चेक रखा जा सके कि कितनी ये फिक्स साइट पे कितनी आमद है इसकी सबसे अच्छी चीज़ फिक्स साइट की होती है जो एक दफ़ा यहाँ पर आ जाता है वो रेगुलर जब भी कंपेन होती है वो लाजिम आते हैं इधर तो इसको साइंटिफिक बुनियाद पर यानी बाकायदा जो टीम्स हैं फील्ड की टीम्स हो गई फिर मोबाइल टीम्स हो गई फिर फिक्स साइट्स की टीम हो गई तो मतलब कोई भी हम ऐसा चांस नहीं देते कि किसी तौर पे भी कोई मिस हो जाए बच्चा चलेंगे ये एक लो सोशो इनकम क्लास का है और यहाँ पे काफ़ी पहले रेजिस्टेंस थी चीज़ें लेकिन हमारे हार्ड वर्क की वजह से और बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से तमाम लीडर्स से एक समझिए एक सक्सेसफुल स्टोरी हो गई खैरियत से कैसा चल रहा है अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक कितने हो गए अब तक सर 123 हो गए माशाल्लाह अच्छा जी ये मार्किंग क्यों करते हैं आप सर ये निशानदेही के लिए जिस प्रकार में हम जा रहे हैं ताकि चेक करने वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए ये काम वर्किंग हो रही है अच्छा बाकी तो इसका क्या मतलब है तमाम चीज़ों का ये हाउस नंबर 3/3 से क्या मतलब है तीन बच्चों को पिलाते शाबाश शाबाश EPI से और ये 19 आज की तारीख डालिए तारीख इसलिए डालते हैं कि पता चलेगा आज की तारीख में काम हुआ ठीक है ठीक है ठीक है पिला दिया देखिए पोलियो इट्स अब यानी जिसे कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में इस वक्त ये सबसे यानी थ्रेटेंड अगर कोई चीज़ हमें कर सकती है तो ये पोलियो का मर्ज़ है 2012 में कराची पोलियो बिल्कुल पोलियो फ्री था लेकिन 2013 में ये दोबारा आया आसिया गजाओ ओवरसीज वैक्सीनेशन टीम्स इन अ डिफरेंट कराची नेबरहुड She has been doing anti-polio work for 13 years.
अस्सलाम वालेकुम, छोटे बच्चों को पोलियो कतरे पिलवा लीजिए। एक बच्चे तो यहाँ रहते हैं ना? हाँ, एक बच्चा रहता है जी। उनके बच्चे होंगे? स्कूल गए हैं। देखिए, मैं बहुत पुरानी हूँ आने वाली, आपके घर में बच्चे हैं। आप अक्सर मैं आपसे को यही बता के जाती हूँ कि मैं पोलियो के हवाले से आई हूँ, आप बच्चों को कतरे पिलवा लीजिए। तो आप हमेशा मुझे यही कह देते हैं कि हम बच्चों को कतरे नहीं पिलवाते, तो इस वक्त पिलवा लीजिए। नहीं नहीं पिलवाते ना आप लोग। जैसे अल्लाह ना करे नहीं कोई पोलियो केस निकल जाता है या कहीं पोलियो का ख़तरा होता है, तो ये फिर घर घर हम जाके मुहिम चलती है हमारी, और हम है ना घरों में जाके बच्चों को पोलियो कतरे पिलाते हैं ताकि वो बच्चे भी महफूज हो जाएं, उस आने वाली बीमारी से बच्चे बच जाएं और उम्र भर की परेशानी से वालदैन बच जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन जब हम खुद अपना एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं तो फिर हमें करने की जरूरत है। बता रहे हैं ना आपको, एक दफ़ा अगर बता दिया, दो दफ़ा बता दिया, तो अब आप क्यों पीछे पड़े, मेरा समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमारा काम, अगर आप मुझे कोई हम चाहती हैं, कोई वो करना नहीं, 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 वो नहीं, हमारा काम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो ये चुटकी की बात है जी भाई, ये पूरा हमला लेके क्यों आ गए? मुझे डरवाना चाहती? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मेरे भाई मुझे तो आप लोगों के साथ रहना है, मैं कहां जाऊं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम डराने के लिए नहीं आए, पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं आपके बच्चों को सेफ करने के लिए। ऐसा नहीं है, हम भी यही रहने वाले हैं, आप भी यही रहने वाले हैं। सही है, आप रहने वाले, जो काम करने का है वो तो हो नहीं रहा है, दीन का कोई काम नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह है हमारा, पाकिस्तान का कोई काम नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं पिला रहे तो मैं मान, ठीक है भाई, चलो चलो नीचे, यहाँ से नीचे आ जाइए आप, ये हमें तो फिर दोबारा आना है, तो सारे पक्के, बस यही तीन घर, एक दो और ये तीन। मैडम, ये हमारे पास तकरीबन 5 साल से रिफ्यूज़ हैं, और ये रिलीजन के हैं, मानने वाले लोग नहीं हैं। ये आपने देख लिया, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, ऑफिस से लोग आ चुके हैं, एनजीओस के लोग लाई हूँ मैं अपने साथ, और यहाँ के लोगों से भी हेल्प ली है, लेकिन वो मानते नहीं। यही कि हुकूमत पोलियो ही क्यों कर रही है, और भी तो बहुत सारे काम है करने के लिए, तो वो क्यों नहीं कर रहे? जो लोग नहीं पिलाना चाहते, जो लोग इसे सही नहीं समझते, हकीकत में हम कोशिश करते हैं कि हम उनमें अवेयरनेस लाएं। अगर उनके अंदर अवेयरनेस आ गई तो उनकी आने वाली नस्लों के लिए इतनी शायद कोशिश हमें ना करनी पड़े। ये मर्ज ही इस मुल्क से इंशाल्लाह ख़त्म हो गया। Pakistan is one of only 3 countries in which polio is endemic. Government-backed vaccination campaigns have been interrupted by targeted killings of vaccination teams. In spite of this, campaigns to eradicate the disease continue. Allah ka shukr hai, sab khair khairiyat hai, lekin yahan thodi si problem hai, aur problem jo hai wo ye hai ki hamare ka UC4 hai jo ki Gadab ka ilaka kehlata hai, wo jo hamare sath touch hai, तो बाकी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से जो है हम ये पोलियो वालों को चारों तरफ से कॉर्डन करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें का हमने जो कॉर्डन किया है वो 1 पर्सन या 1 लेडी के ऊपर कम से कम 2 हमारे पुलिस वाले। अच्छा, यानी एक पोलियो वर्कर के ऊपर 2 आपके 2 पुलिस वाले मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक, मेरा नाम डॉक्टर सैफुर रहमान है। सर, मैं एरिया इंचार्ज हूं, मेरा नाम मिल्की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेल डन, गुड। कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है यहाँ पे? सर, एक है तमाम ना। ठीक है, तो उसको भी क्या प्लान करते हैं आप, फौरन नहीं करते हैं या day 3 day 4 में मिल के करते हैं, किस तरह का? सर, वो लोग कह रहे कि फादर मना करते तो टीम तो डे 4 पे ही जाते हैं। डे 4 पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, गोकी ये बहुत हसास इलाका है, जैसे कि UC4 बिल्कुल बराबर है, सिर्फ एक आप पुल क्रॉस करेंगे और UC4 जो जहाँ पे कंपेन होना मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से हमारी क्लोज इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, उससे जो हमारा इंटरेक्शन है उसने इस चीज़ को हमें इस अभी नहज पे पहुँचाया है कि आज हम कम्फर्टेबली तमाम चीज़ें कर लेते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है तमाम लोगों को पाकिस्तान का, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो और किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी को फरफर कलमे की तरह पोलियो के बारे में पता होना चाहिए। द बैटल अगेंस्ट पोलियो इज़ अ टीम एफर्ट इन्वॉल्विंग चैरिटीज़, यूनिसेफ, the World Health Organization, and both the central and provincial governments. Pakistan's situation is a peculiar. It's not as simple, really, as we can compare with other countries of the world. Security situation has created a lot of problem. कि हम पोलियो को कंट्रोल किसी सूरत में भी कर सकते हैं कि अगर हमें चार राउंड, कम से कम चार राउंड जो हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाए. So because this is a situation, because when we don't have a good access to our children for every round, then yes, these difficulties are there. This is national polio control room. इसी तरह overall campaign के process को monitors करते हैं, results को daily feedback लेते हैं और उसके against फिर जो भी action वगैरह required होता है वो हम यहाँ से उनको provinces के साथ officially communicate करते हैं. उसके बेसिस पे हमने प्रायोरिटाइजेशन की हुई है, जो आपको ग्रीन आ रही है ये मैप में, ये हमारे फुली इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फॉर दिस कैंपेन, और जो 20 आपको नज़र आ रहे हैं ये येलो येलो, ये हमारे पार्शियली इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से हाई रिस्क यूसीज हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा मतलब कंसनट्रेट करना होता है वहाँ पर. हमारा तो मकसद एरेडिकेशन है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं है कि हम सिर्फ कंट्रोल पे फोकस करें ना, मुकम्मल तरह से खात्मा तभी हो सकता है कि जब हम एग्रेसिव एक्टिविटीज़ करें. इन प्रिपरेशन फॉर नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन्स, हेल्थ वर्कर्स प्रिपेयर द कम्युनिटीज अराउंड कराची. पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार, अगर आप बच्चों को हर बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, हिफाजती टीके लगवाएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चे जो है पोलियो की बीमारी से महफूज हो जाएंगे. बिल्कुल, इनको बताने में कि हम आपके बच्चों की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे, आपके फायदे के लिए हम आ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं. फिर ऐसा होता है कि कुछ माएँ ऐसी हैं जिनको ये बात समझ में आती है, कुछ माएँ समझदार हैं जो यहाँ पे बार बार आती हैं ना, वो वही माएँ जो समझदार हैं. अब इनको इतनी अवेयरनेस हो गई, जो यहाँ के मर्द हजरात हैं ये हमारा साथ देते हैं, इनको पता होता है हम यहाँ पर आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं, ये अब सारी कम्युनिटी हमारा साथ देती है. छोटे बच्चे हैं घर में. अभी मैं आपको पोलियो के मुहिम के बारे में बताने आई हूँ. 20 तारीख से पोलियो की मुहिम शुरू होगी पूरे पाकिस्तान में, तो आपके घरों में पोलियो की टीम आएगी कतरे पिलाने के लिए, याद रखिएगा. और आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं सबको बताइएगा, ठीक है. To reach a point where the disease can be eradicated, vaccination coverage needs to have reached 97% of the city's children. The oral vaccine also needs to be administered multiple times to be fully effective. So all areas have to be covered with each new campaign. पोलियो के बारे में आपको कुछ मालूम है कि किस कैसी बीमारी ये किस तरह से फैलती है, या आपने जब कतरे पिलाए थे पोलियो के बच्चे को तो आपने पूछा था कि ये है क्या, क्यों कतरे पिला रहे हैं? बोलते हैं बुखार में पोलियो हो जाते हैं, इसको सफाई में रखो, उसको एक हाँ हाँ पोलियो की बीमारी जो है ना लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है. पोलियो के जो दो कतरे होते हैं ना वो बच्चे को हर बार पिलाए जाते हैं, और जो पोलियो से बच्चा होता है ना, जिस बच्चे को पोलियो होता है उसके पखाने से उसका जो जरासीम है पोलियो का वो फैलता है, दूसरे बच्चे तक जाता है. इसलिए मैं कह रही हूँ मतलब सफाई का ख्याल रखें, साफ सफाई का. ठीक है बाजी, आपको मैंने थोड़ा बताया पोलियो के बारे में, सही है. बाकी जो माएँ हैं उनको भी बताइएगा सफाई के बारे में, और खाने पकाने में और खिलाने में सफाई रखिएगा, ठीक है.
मदर का जो रोल होता है ना बहुत ज़्यादा एक इसमें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। बाप तो चले बाहर होते हैं और माँ का जो दिल है अपने बच्चों के लिए वो तो बेहतरी चाहती है, तो माओं का पढ़ा लिखा होना, माओं का अवेयर होना, माओं को पता होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर माँ जब अड़ जाती है तो फिर बाप भी इतना कोई वो नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। जो ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता है वो क्वालिटी तो दूर की चीज़, बाज़ दफ़ा मिलता भी नहीं है। जो हमारे बेसिकली सोल्जर्स हैं वो जो फील्ड में जाते हैं तमाम पोलियो वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, उनका उनको ट्रेन करना, उनको उस लेवल तक पहुंचाना कि वो हमारे एज एन एम्बेसडर जाके घर घर जब खटखटाएं तो वो तमाम चीज़ें बता सके। तो पोलियो की कामयाबी में एक अहम रोल मैं समझता हूँ कि पोलियो वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग है। आपको ने तमाम कंपेन्स बहुत अच्छी की हैं, लेकिन अभी भी कुछ रिफ्यूजल्स के केसेस हैं, तो आपको ने इसको कवर भी किया है, तो मैं आपके सामने हमारी एरिया इंचार्ज है वहाँ की एक्टिव आसिया, उन्होंने न्यू कराची में काफ़ी काम किया है, ये कुछ अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। ये इसका मकसद ये था कि शायद कोई ऐसी बात जो इन्होंने की हो वो आप इस्तेमाल करके ताकि जो रिफ्यूजल्स हैं, जो इनकारी लोग हैं, उनको हम पोलियो के खतरे के बच्चों को पिलाए जा सकते हैं। आसिया प्लीज़ आइए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया गज़ल है, मैं नॉर्थ कराची से UC3 से हूँ। तो इस तरह से हमारे 4-5 रिफ्यूज़र कवर हुए हैं। रिफ्यूज़र को कवर करने के लिए हमेशा पहले उसकी वजह पूछो, वजह क्या है। जब तक आपके पास वजह नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। बहुत सारी वजह होती हैं, वो कहते हैं हम पिलाते ही नहीं हैं, तो आप पूछो बीबी क्यों नहीं पिलाते हो, सबसे पहले यही पूछो। और सबसे टिपिकल वजह जो है वो रीजन की वजह आ रही है आजकल हमारे पास जो है, तो आप कोशिश करेंगे आप अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे पहले वजह पूछें, नरम लहजे से बात करेंगे, फड्डा नहीं करना किसी के साथ भी, जैसे भी लोग हों बस आप कोशिश करें आप प्यार मोहब्बत से उनसे पूछें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे नहीं हैं, आप देखें कपड़े छोटे छोटे कपड़े फुले हुए होंगे, सामने देखेंगे चप्पलें रखे हुए होंगे, आपको इससे भी अंदाज़ा होगा कि बच्चे हैं। तो बहुत सारी टीमें हमारी जाती हैं दड़ा दड़ गई, यूँ दरवाज़ा बजाया, जी बच्चे हैं, नहीं है बच्चे नहीं हैं, चलो भाई ठीक है ज़ीरो लिखा अगले दरवाजे पे चले गए, और वो ज़ीरो हमारे लिए जहर बनता है उस वक्त जब चेकिंग होती है। वो हमारे कुछ रिफ्यूज़र इस तरह के हैं, वो कहते हैं कि मजहबी वजह है, उसके फैमिली प्लानिंग है, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग करवाना चाहे तो वो आटे चीनी नमक पानी में, सबसे ईजी तरीका है वो पानी में डाल देगी, पानी तो हर कोई पी रहा है ना, छोटे बड़े सब पी रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट का नहीं है इसमें, ये हमारे बच्चे की जो है हिफाजत के लिए हो रहा है। आप अपने दिमाग को जो है ना बिल्कुल साफ कर लें कि इसमें फैमिली प्लानिंग नहीं है। ठीक है, हम बात रिफ्यूज़र किया जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमने आपके बच्चों की हिफाजत के लिए आए हैं, हम आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं हमारे बच्चों का इतना फ़ायदा था, हमारे इतने जवान जो हैं वहाँ वज़ीरिस्तान में मार रहे हैं, तो उनको तो पहले बंद करो बम्बारी, जो बच्चों का आपको इतना ख्याल है जो आज पैदा हुए तो इतने जवान हमारे जो मर रहे हैं वहाँ पर, बहुत से रिफ्यूज़र हमारे तो इसी वजह से रिफ्यूज़र हैं, इस वजह से भी बढ़ते हैं, ये बहुत कॉमन है इस चीज़ को जो है। तो बोले हमारी गवर्नमेंट वहाँ कोशिश कर रही है, सब लोग जाते हैं जब हो रहा है ये बात चल रही है, लेकिन ये पोलियो वहाँ कैसे जाके मिल सकता है इस चीज़ में, पोलियो एक अलग चीज़ है, बमबारी एक अलग चीज़ है। Despite many families citing religious reasons for refusals, most religious leaders have publicly supported the vaccination drives. जब हमारे DC साहब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमें जब हुक्म देते हैं कि आप मस्जिद से बयान कर दें, तो हम इस चीज़ को पोलियो के हवाले से बयान करते हैं और माशाल्लाह लोग पिलाते हैं, उसको समझते भी हैं, वाकई में पोलियो एक ख़तरनाक मर्ज़ है और मोहलिक बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल अपाहज कर देता है। महवेश, मैं लेडी हेल्थ वर्कर की जॉब में आई थी, तो लेडी हेल्थ वर्कर में सबसे जो मेन काम है हमारा पोलियो का ही, तो पोलियो तो हमें करना ही करना है, ये हमारी जॉब में शामिल है, हमारी जॉब का एक हिस्सा है ये, तो टीम में काम किया, उसके बाद फिर मैं एरिया इंचार्ज हुई, एरिया इंचार्ज के बाद जो है अब जो है अपनी यूसकी इंचार्ज हूँ मैं, तो अभी आज अपने ऑफिस से सामान लेकर आई हूँ, तो मुझे टेलीशीट्स अपने एरिया इंचार्ज को देना है, एरिया इंचार्ज इसको रेडी करेंगे, फिर इंशाल्लाह मंडे को हमें काम करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है आज हमारी पोलियो कैंपेन का फर्स्ट डे है,
और पहला दिन है इंशाल्लाह जो है हम काम अपना शुरू करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी सी ओनली 5 मिनट की ब्रीफिंग दूंगी मैं आप लोगों को। हमें अपनी टैली शीट को अच्छी तरह से भरना है, उसके बाद जो है नेल मार्कर जो है बहुत अच्छी तरह से आप करोगे। ये देखो उल्टे हाथ की उंगली पे पूरा इस तरह से नेल पॉलिश की तरह पूरा फुल नेल जो है करोगे, और टिप पे ज़्यादा लगाना होगा आप लोगों को। टिप का निशान निकलता नहीं है, बाकी निशान सारे निकल जाएंगे। For every 200 polio infections, only one results in paralysis. The rest look like nothing more than a cold, even though the child is still spreading the virus. खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को पोलियो के कितने पिलाने हैं? पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं। नहीं पिलाते। नहीं पिलाते? कितने बच्चे हैं 5 साल से छोटे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 हैं। 4 बच्चे हैं तो किसी को भी नहीं पिलाते? कितनी फैमिली कितनी है शादीशुदा? यहाँ 3 फैमिली है। 3 फैमिली, कोई भी पोलियो के कतरे नहीं पिलाता, क्यों, कोई वजह बताएंगे आप? ये अगर आप ये पिलवाएंगी तो आपके बच्चे पोलियो से सेफ हो जाएंगे, अगर नहीं पिलवाएंगी तो खुदा ना खास्ता बच्चे को बीमारी हो गई तो सारी ज़िंदगी के लिए वो आपाज हो जाएगा। आपको किसने बताया कि उसमें बच्चे बंद करने की दवा होती है? आपके फैमिली के लोग कहते हैं या किसी बाहर वाले ने आपको बोला? बाहर वाले भी कहते हैं, मौलाना लोग भी मना करते हैं, सब मना कर रहे हैं आजकल। अच्छा, मौलाना लोगों ने मना किया हुआ है? कौन से ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने मना कर दिया? हमारे पास तो फतवा भी होते हैं, हम वो भी दे सकते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। लाना है लेकिन हम नहीं पिलवा। तो ये देखें ना माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, चप्पले पहनाए इनको, और नहीं नहीं पिला नहीं, हम आपकी इजाज़त के बगैर नहीं पिलाएंगे। अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो हम पिलाएंगे, हम अपनी इजाज़त के बगैर कभी भी नहीं पिलाएंगे। ठीक है, चलो भाई जाओ अंदर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वो सास भी मना कर रहे हैं इनके, कह रहे हैं शुरू से नहीं पिलवाए, समरीन ने भी नहीं पिलवाए, अभी भी नहीं पिलाएंगे, ये मना कर रही है अंदर से। चलें ठीक है आंटी जी। ये नंदे ना ये भी नहीं, कोई भी नहीं पिलवाता, नंदे देवरानी है हमारी मेरी, ये हम कोई भी नहीं पिलवाते, गरीब है हम लोग तो, बेवा हैं, मैं भी बेवा हूँ, मेरी सास भी बेवा है, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, करने वाला कोई है नहीं, जो चीज़ देनी चाहिए गरीबों को वो तो देते नहीं है, ये जबरदस्ती के पोलियो के कतरे पिलवाएं, ये तो कहीं का वो नहीं है ना कि आप जबरदस्ती पिलवाएं, मुझे पिलवाना है। चलें थैंक यू, लेकिन सोच लीजिएगा, हम फिर दोबारा आएंगे, अभी 4 दिन की मुहिम है, हम दोबारा आएंगे, पूछ लीजिएगा अपने हस्बैंड से। नहीं पिलवाती आप, कोई फायदा नहीं है। चलें ठीक है, फिर भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अहम काम है, जब हम अपने बच्चों को सेफ कर रहे हैं, ये हमारा सरमाया है हमारी कौम का, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें खुशी होती है इसमें काम करते हुए। और कभी कभी तो लोग गुस्सा भी करते हैं कि आप लोग क्यों करते हो, उसके बावजूद भी हम ये सारा काम करते हैं, हमें अपने बच्चों को सेफ तो करना है ना। Last year on this very road, my colleague was shot dead. Mr. Omar Farooq was killed into the field while doing a polio campaign. He was actually collecting data from the workers, and suddenly I received a phone call from Omar Farooq, and he said, "Sir, I'm shot in the chest. Please help me and get me to the hospital as soon as possible. I'm dying, sir." I rushed on the spot, but alas, he died. Into my hands. This is my friend Anargul. He is very, very cooperative to us. If he is not there, there is no polio possible in the UC4. It is all because of this worthy police officer Anargul. Health workers say the number of cases of vaccine refusals jumped in the aftermath of the US operation to kill Osama bin Laden, when it emerged that the CIA had recruited a Pakistani doctor
Dr. Shakil Afridi to pose as a member of the sample collecting team which visited the Bin Laden compound. Talking about local population, few problems are there. One is that incident of Shakil Afridi. So after that, they are suspicious about all this campaign, and they think that we are some sort of doing spying for some agency. There are a lot of children over there. Usko bulao na upar khadi kya kar rahi ho aap? Unse bulao na upar walon ko bolo. ये बच्चे हमेशा ये अपने रिफ्यूज़ल क्रॉनिक रिफ्यूज़ल हम इनको कहते हैं ये कभी भी नहीं पिलाते दे आर एक्चुअली गेटिंग नथिंग फ्रॉम द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट दे से यू आर ऑल द टाइम यू आर कमिंग फॉर पोलियो एंड प्लीज़ गिव अस वाटर क्लीन वाटर वी आर गोइंग जस्ट फॉर पोलियो कैंपेन सो दे गेट इरिटेटेड वी सी लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल केसेस इन रिटर्न सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जाओ 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 नो देख जाओ आइए ना बच्चे पिलाओगे बेटा शाबाश शाबाश पिलाओ हमारे बच्चे लग नहीं पीते निशान लगवा दो इसको निशान नहीं लग निशान दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम वी हैव सक्सेसेड टू गिव हिम पोलियो वैक्सीन दिस हाउस हैज एट लीस्ट 10 किड्स अंडर 5 इयर्स ऑफ एज सो वी गॉट फर्स्ट सक्सेस दैट्स इट बेटा और को भी लेके आओ और को भी लेके आओ बेटा थैंक गॉड वी गेट इनफ सिक्योरिटी नाउ लास्ट ईयर देयर वाज नो सिक्योरिटी एट ऑल हाउएवर थ्रेट्स आर प्रेजेंट We do receive unknown calls. They give us threat. Do not come our into streets. So threats are there. No doubt about it. Threats are there. But however, we have been assigned this duty. So we are doing it as long as we can do it, and as long as we are living. Hopefully. बच्चे missing होते हैं. बच्चे मिसिंग क्यों होते हैं कैंपेन जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी कैंपेन क्यों नहीं हो पा रही है बच्चे मिसिंग हो जाते हैं कि हम उनको सही से नहीं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह सिक्योरिटी होती है ना हमें अकॉर्डिंग टू माइक्रो प्लान नहीं काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू पुलिस काम हो रहा है पुलिस कहेगी इन एरियाज में जाना है तो उसमें कोई एरिया डेफिनेटली मिस हो भी जाता है गोद में ले लीजिए ऑन द सेकंड डे ऑफ द नेशनल कैंपेन द वर्स्ट फियर्स आर कंफर्म्ड with another attack on vaccination teams in Karachi East. दो दिन पहले उसने एक एम्प्लॉय को फ़ोन किया था उसने बोला कि यार यहाँ पर हम दो अकेले हैं यानी सलमा बाजी जो जख्मी वो और अनीता जिसकी भी डेड बॉडी गई है उसने फ़ोन किया है उसने कहा कि हम दोनों यहाँ अकेले और यहाँ पर डर लग रहा है कि तुम किसी तरह से आ जाओ 10 मिनट पहले वो बता रहे हैं कि मुझे फ़ोन किया है उसके 10 मिनट के बाद उसका आगे कि वहाँ पर हमला हो गया पोलियो की टीम पर तो ये है कि हमेशा ऐसे ही होता रहेगा कि हमेशा हम अपनी जान ही देते रहेंगे कहाँ है उनकी सिक्योरिटी जवाब दे है कोई हमसे पूछ रहे तक यहाँ कोई नहीं आया है पूरा कराची हाई रिस्क हो गया है अब तो कहीं भी जो है वो जान महफूज नहीं है बहुत अच्छा जा रहा था कहीं पे कोई प्रॉब्लम कल हमें देखने में नहीं आ रही आई थी और दिस एरिया अगेन आई मस्ट टेल यू वाज सेफर एरिया दिस वाज अमंग दोज एरियाज कि जिसको हमने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हुआ था और आज देखें वहाँ पे ये हो गया अच्छा तो मुश्किल से 20 बच्चों को बुलाया था हाँ अच्छा यहाँ कभी ऐसे रिफ्यूज फैमिली वालों ने कभी किया था कि हम नहीं पिलाएंगे कभी भी नहीं हुआ था इस तरह से किसी ने कल रिफ्यूज नहीं किया सबको पिलाया अगर आप पहले से सिक्योरिटी का थोड़ा सा बंदोबस्त करके रखते तो आज आओ तो यहाँ खड़े होंगे हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल यू आर डूइंग ओवर द सिटी
मुझे इनसे बात करने दें प्लीज। आप ये कौन से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं? सर्जिकल टू। मैं फिर आपसे इंशाल्लाह मिलने आऊँगी, इस वक्त आपको तकलीफ हो रही है। We had two females who were brought in dead, and they were both the members of the polio team. And there was one young boy who was the storekeeper of the polio team, yes. Fahad Khalil. Mm-hmm. He was about 20 years of age, I believe, mm-hmm. and the ladies were between anything between 25 and 30 years. Mm-hmm. But, all three of them were brought in dead. Besides them, we had one more patient who was also a polio worker. She was injured. She has injuries to the chest as well as to the to yeah, the limb. Yeah, we did. Yeah, you saw her. Difficult situation. Very difficult situation, but I hope कि जो है वो जो कहते हैं ना कि खुदा पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, we always used to cross our fingers during every meeting कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है पाकिस्तान को पोलियो फ्री करवाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। Soon after this latest round of killings, vaccination teams led by Tahira, Asiya, Gulnaz, and thousands of other women were back on the streets determined to win the war against polio.